नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सभी दर्शकों का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वेलफेयर इंडस्ट्री और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारे बहुत सारे व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इस पर थोड़ा सा आप एक वीडियो बना दीजिए कि ITI अच्छा है या सेफ्टी ऑफिसर, या मैट्रिक और इंटर के बाद कौन सा बेस्ट कोर्स होगा, है ना। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ITI कोर्स नहीं करना चाहिए, ITI कोर्स बुरा है। ये हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ ये सिर्फ हमारा पर्सनल ओपिनियन है, जिसको आप ध्यान से सुने और समझें, उसके बाद अपना डिसीजन लें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ITI का कोर्स करते हैं तो ITI का कोर्स करने में 2 साल का समय लगता है, और सर्टिफिकेट आते आते आपको जो है कम से कम 2.5 साल हो जाता है फाइनली। लेकिन अगर आप सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करेंगे तो आपको 6 महीने का कोर्स करने में समय लगेगा, और सर्टिफिकेट मिलते मिलते 1 साल का ही समय लगेगा। तो यानी आपका एग्जैक्टली 1 साल का सेविंग हो रहा है, और 1 साल अपने आप में एक बहुत ही बड़ा समय होता है। इसलिए आप पैसा को बचाएं, समय को बचाएं और अपने मेहनत को भी बचाएं। तो इस लिहाज से भी मैं कह सकता हूं कि सेफ्टी ऑफिसर इज अ बेस्ट कोर्स। ITI में जहां तक मेरी जानकारी है, प्लम्बर, फिटर, वेल्डर, मैकेनिकल, इसमें ITI होती है। तो अल्टीमेटली दीज आर कोर्स आर नोन एज लेबर, मतलब लेबर कैटेगरी का आपको काम मिलेगा। इलेक्ट्रिशियन का है कहीं ना कहीं, एक तरह से लेबर कैटेगरी का काम है। वेल्डर लेबर कैटेगरी का काम है, प्लम्बर, फिटर, और आपको फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। आप साफ साफ वाइट वाइट कपड़ा नहीं पहन सकते। लेकिन अगर हम लोग सेफ्टी ऑफिसर की बात करते हैं, नाम ही बड़ा प्यारा है, सेफ्टी ऑफिसर। हर एक इंसान मान सम्मान से, इज्जत से, आराम से पैसा कमाना चाहता है। और इसमें आप बेहतरीन कोट पैंट टाई पहन के, अच्छे वाइट वाइट कपड़ा पहन के आप काम कर सकते हैं। इसमें आपको इज्जत वाली, मान सम्मान वाली, रिस्पेक्ट वाली जॉब मिलती है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग फीस की बात करें तो जहां तक मेरी जानकारी है, ITI के फीस में 40,000 रुपये से लेकर 80,000-90,000 रुपये तक खर्च हो जाता है कोर्स करने में। लेकिन अगर सेफ्टी ऑफिसर का, जो हमारे इंस्टीट्यूट में फीस है, मात्र 30,000 रुपये फीस है, जो कि ITI के फीस से काफ़ी कम है। और ITI में अल्टीमेटली आप एक लेबर बन रहे हो, और सेफ्टी ऑफिसर में आप सेफ्टी ऑफिसर बन रहे हो। और इंटरनेशनल लेवल पे कानून भी है कि जहां कहीं भी 50 लेबर है वहां पे एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। तो इसके वजह अगर वैकेंसी ज़्यादा आती है। लेकिन अगर हम लोग ITI की बात करें तो ITI में ये आज तक घोषित नहीं किया गया है कि जिस किसी कंपनी में 50 मशीनें हैं तो एक ITI टेक्नीशियन होना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ITI एंड सेफ्टी ऑफिसर। इसमें वैकेंसी भी ज्यादा आती है, इज्जत मान सम्मान दोनों मिलता है। फाइनली मैं अपने कन्वर्सेशन को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ कि ITI का सर्टिफिकेट आपको हासिल करते करते, चूंकि ये गवर्नमेंट का काम है, थोड़ा सा डिले होता है कभी कभी, हो सकता है 2 से 2.5 साल लग जाए। लेकिन सेफ्टी ऑफिसर कोर्स आपको 1 साल के बाद ही मिल जाएगा, यानी आपका स्टेट अवे 1 साल समय बच रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग वैकेंसी की बात करते हैं तो ज़्यादा प्लांट में जो आजकल एक्सीडेंट होते हैं, चाहे वो फायर के एक्सीडेंट हो या कंस्ट्रक्शन के एक्सीडेंट, किसी प्रकार के एक्सीडेंट हो, तो उसको बचाने के लिए सेफ्टी ऑफिसर ही ट्रेनिंग देते हैं, एडुकेट करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। तो इसके जगह वैकेंसी काफ़ी आती है, चाहे इंडिया हो, सऊदी, दुबई, ओमान, कतर हो, तो वैकेंसी जिस ट्रेड में ज़्यादा आएगी उस ट्रेड में सेलेक्ट होने का भी चांसेस ज़्यादा होगा। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था कि आप ITI नहीं करके अगर आप इंटर किए हुए हो तो आप प्लीज़ डोंट डू ITI कोर्स, आप सेफ्टी ऑफिसर कोर्स करें, बिकॉज सभी को मान सम्मान से, आराम से, इज्जत से पैसा कमाना पसंद होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। देश की भलाई के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।